सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैनिधर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे वंदितु सव्य सिद्धि द्रोमचल्मणोभवंगदिं पत्ति उच्छामि समय पाहुर मिलमो सुदिके वलीवेदं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज आदिश्वर स्वामी का दीक्षा कल्याणक का पवन पावन प्रसंग है। मुनिराजों के स्वरूप को समझने में जहाँ भूल होने से हमें मुनिराज का जीवन बड़ा कष्टमय सा लगता है, इसे बेचारी से लगते, दुखी दिखते हैं। और गुरुदेव श्री के आने से बहुत अंतर आया। आनंदमयी दशा का नाम मुनि दशा है, प्रचुर स्वसंवेदन का नाम मुनि दशा है। सतत मन भवामो अनंत चैतन्य चिन्हम नखलु नखलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्ध। 24 घंटे दिगंबर संत स्वानुभव का अमृत पीते हैं। कैसा देखने में कैसा लगता है, अंधेरे में रहती है और ज्ञान के उजेले में निवास करती है। दिखते भूखे से और अत्यंत तृप्त का नाम मुनि दशा। दिखते प्यासे हैं पर अमृत पान करती। हम कैसे समझेंगे दिगंबर मुनिराज किसे कहते। आज का दिवस हमें ये सब प्रेरणा देता है। क्या हुआ कि गुरुदेव श्री का आना होगा तो इस स्वरूप समझ में आया कि अरे मुनिराज जिन्हें नमो लोई सभ्य साहूणम में याद किया जाता है, जिन्हें गणधर भगवान नमस्कार करते हैं, वो कैसा पद हो। कभी अपन सोचें, जब हम मुनि होंगे वन में कहीं होंगे, ऐसा पढ़ती थी। अब ऐसा पढ़ना, हम सब मुनि होंगे आज नहीं कल जरूर होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ निज ध्यान धरेंगे आत्म ज्ञान करेंगे, हम सब मुनि होंगे। क्योंकि साधु हुए बिना भगवान नहीं बन सकते। पंच परमेष्ठी में सर्वोत्कृष्ट सिद्ध परमेष्ठी का सुख चाहिए तो साधना चाहिए, साधना चाहिए तो स्वभाव चाहिए। स्वभाव को साधने वाले साधु कहलाते। वो स्वभाव बताने के लिए हमारे गुरुदेव श्री का इस भरत क्षेत्र में आगमन हुआ। सीमंदर भगवान ने भेजा उन्हें कि भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को जगाओ, इन्हें आत्मा बताओ, आत्मा भगवान है। कुछ गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, ऐसा पंच कल्याणक होता, ऐसा कोई निमेश भाई तैयार होता। क्या गजब का काम हो गया, कोई कल्पना के बाहर हो। कभी सोचा होगा कि हमें कोई भगवान कहकर पुकारेगा, कोई सोचा होगा कि यह करता है, ये अभी
अपन ने आदरणीय अमित भाई साहब का आगमन देखा, अपन को ऐसा लग रहा था कि सब डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे गुरुदेव ने बताया कि सब व्यवस्थित ही होता है, कुछ भी अटपटा नहीं होता है। सारा भार उतार दिया, हर प्रसंग पर प्रसन्न रहना सिखाया कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, होने योग्य ही होता है, अनहोनी कभी होती ही नहीं और होनी हुए बिना रहती नहीं। हर बात में आपको वस्तु स्वरूप दिखाने की सामर्थ्य थी, उसका नाम है कांजी स्वामी सदगुरुदेव। अपने लिए तो भगवान बन करके आए थे भाई साहब। कोई अपन को अस्थि से प्रसन्न रहने की बात सिखा सकता है? शास्त्र सभाएं होती थी तो उसमें भी आँख से आंसू बहते। अपन ने अभी कभी सुना नहीं कि आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है। जैसी सिद्ध भगवान में सामर्थ्य है, वैसी मेरी प्रत्येक जीव में, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष झार अंतर भेद जरा भी नाही भेद गिने। क्या कमाल किया गुरुदेव श्री ने, एक कमाल अवाल कुछ नहीं दिया, निहाल कर दिया। पर कैसे कि आत्मा ऐसा स्वरूप से धनी था, उसे खबर नहीं। कितने सरल उदाहरण जो अमृत चंद्र देव ने दिए। मुट्ठी में रखे हुए सोने को मानो कोई भूल गया हो, क्या गजब की बात। मुट्ठी में रखा सोना, तिजोरी में नहीं रखा, पॉकेट में नहीं रखा, कहाँ रखा है? मुट्ठी में रखा और भूल गया है, यानी कहीं गया नहीं, उसे लाना नहीं है। सोना तो है पर नज़र नहीं। ऐसे आत्मा तो भगवान है पर मानता नहीं था। 415 अभिनंदन पत्र दिए अपने कुंद भगवान ने। 415 बार आपको भगवान है, ज्ञाता द्रव्य चैतन्य ध्रुव है, परिपूर्ण है, शुद्ध है। सारी सोच बदल दी, तरीके बदल दिए, हर चीज़ में रस आ गया गुरुदेव श्री के आने। पूजा भी चैतन्य रस से मढ़ गई, भर गई। प्रवचन में भी रस, चर्चाओं में भी रस चैतन्य का। क्या है, उन्होंने कला सिखाई, उसे अपने आत्मीयता से जोड़वा हर कार्यक्रम, तो आपको अच्छा लगे। पहले सुनते थे कि सिद्ध भगवान और मुनिराज वे होते हैं वो होते हैं, अब लगने लगा कि यहाँ से होते। ये है आत्मा भगवान की फैक्ट्री, चैतन्य आत्मा है ध्रुव फैक्ट्री भगवान की। और इस जीव को भूल गया था, काष्ठ मध्य यथा बन्नी शक्ति रूपेण तिष्ठति, तिल मध्य यथा तेल दे मध्य यथा शिव। लकड़ी में अग्नि है, दिखती नहीं है, पर है, नहीं है तो कहाँ से निकले। हीरों का हार पहने और उसके प्रकाश में तिजोरी में हीरों का हार ढूंढ रहा, इतनी भूल थी। हार गले में और नज़र नहीं थी और उसी के प्रकाश में ढूंढ रहा था। इसी तरह ज्ञान के प्रकाश में आत्मा को खोज रहा था, वो स्वयं ज्ञाता दृष्ट है, स्वयं आत्मा है। बहुत बड़ा काम कर गए गुरुदेव श्री, अपन को कल्पना भी नहीं थी। अपन तो ये सोच रहे थे हम पापी हैं, परमात्मा बनेंगे। गुरुदेव ने कहा परमात्मा है, मानता नहीं है, ये पापीपना है। कितना सोच में अंतर आ गया अभी से। क्या कहा, अपन क्या सोच रहे थे, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, क्रोधी हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह, ये सब मान बैठा। और गुरुदेव ने कहा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मुझे ज्ञानानंद बनना नहीं है भाई साहब, भूल गया है। अब भूल दूर होना कोई कठिन काम नहीं है, परंतु उसमें भी जीव की होनहार अच्छी होती भाई साहब, वो मानते हैं। अपन सबकी होनहार अच्छी है, इसलिए अपन सबको गुरुदेव अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि चार पशुओं ने अनुमोदना की थी आहार के काल में, और वे भी आदिनाथ के साथ मोक्ष गए हैं। तो अपन सब गुरुदेव के सत्यमार्ग की अनुमोदना करने वाले अब संसार में रह ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार सत का आदर आना चाहिए, लगना चाहिए। कोई किसी का करता धरता नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। आत्मा स्वरूप से ही भगवान है, इसका द्रव गुण पर्याय अनादि अनंत प्रभु है, इसे किसी ने प्रभु बनाया नहीं है। जंगल के राजा शेर को कौन ने राजा बनाया, किसने वोट डाली, स्वयं ही प्रकृति से राजा। ऐसे ये जीव को किसी ने राजा बनाया नहीं है, तो चैतन्य राजा ज्ञान स्वभावी भगवान।
ऐसे स्वभाव की साधना अपने जीवन में हो, इसके लिए 45 वर्ष तक एक व्यक्ति ने एक ही धुन में एक ही बात कही, आत्मा जानो भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर, इससे ज़्यादा मार्ग नहीं, बहुत सरलता से मार्ग। अब हम देखो आज के प्रसंग में कैसे बैराग गाना चाहिए, अपन को थोड़ी कहाँ ले चलती हैं, अपन ये वचनामृत के बोल पढ़ रहे हैं, समझना भाई, बहुत करुणा से माता जी के वचन निकलते थे कि हाँ खड़े होकर कहती है, भव भ्रमण चलता रहे ऐसे भाव में यह भाव व्यतीत कर देने योग्य नहीं। अपने ऊपर करुणा करना भाई साहब, जिनकी रात्रि में भोजन करने की आदत हो, जिन्हें टीवी देखने के भोगों में लगने की आदत हो, जो ज़्यादा धन बढ़ाने में अपनी सामर्थ्य को बर्बाद कर रहे हो, जो इज्जत पाने के रोग में लग गए हो, सिर्फ एक ही संकल्प लो, हमें भगवान बनना है और कोई काम नहीं। मोह का अभाव कैसे हो, हम इंद्रियों के गुलाम ना बने, हमारी इंद्रियां गुलाम बने, हम जितेंद्रिय होने के लिए पैदा हुए। माता जी के वचन सुनना भाई, भव भ्रमण चलता रहे ऐसे भाव में यह भव व्यतीत कर देना योग्य नहीं है। भाई भव के अभाव का प्रयत्न करने के लिए भव मिला, भव भ्रमण कितने दुखों से भरा है सुनो इतिहास, गंभीरता से विचार करना, नरक के भयंकर दुखों में एक क्षण निकलना असह्य लगता है, और सागरोपम काल आयु हमने कैसे काटी होगी, पुराना इतिहास कौन सुने, किसी विचार करने की फुर्सत कहाँ रहता है जीव, जो निगोद में रहता है कहाँ से निकलेगा, काल अनंत निगोद मझार, कौन है इसका दया करने वाला, यदि ये जीव अपने पर दया नहीं करेगा तो कौन करेगा, भगवान भी इसे समझा नहीं सकते भाई साहब। और जब सुलटना है ना तो एक मिनट में सुलट जाता है, अंजन जैसा व्यक्ति निरंजन बन जाता, कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे बने निरंजन रे, किसका गौरव कब जग जाएगा, सबको भगवान जानो, सिद्धों जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का, उसे नहीं देखना नरक की यातना से, उसे नहीं देखना स्त्री पुरुष ना चार गति के परिवर्तन, कोई कर्म के उदय से चार गति में नहीं घूम रहा भाई साहब, ये अच्छे समझ लेना, पर द्रव्य को दोष देना महापाप, स्वयं महंत बना रहना चाहता है और पर को दोष लगाता है, यह जैन शासन में अनीति टिकने वाली नहीं, स्वयं ने अपने भगवान को भुलाया है, सिद्धों जैसे भगवान की उपेक्षा की है उसके लिए विचार हैं, नरक के भयंकर दुखों से तूने कैसे समय निकाले होगे, 23 तीर्थंकर आदिनाथ के काल में जो 23 तीर्थंकर हैं सब निगोदों में डली थी, अपनी क्या दशा होती और कैसा क्या क्या है, कौन रहम करने वाला, किसको दया आए, दशा चारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी है, बाबूजी की अमर रचना है, बाबूजी के पिताजी का नाम कांजी स्वामी, कांजी स्वामी के बेटे का नाम बाबू युगल जी, यहाँ सागरूपम काल आयु कैसे कटी होगी भाई, अपने बारे में विचार करना है, नरक के दुख सुने जाए ऐसे नहीं है, सीता जी का जीव प्रत्येंद्र जब रावण को लक्ष्मण को संबोधने गया था तब देख करके इतना कांप जाता था वहाँ से निकलने के लिए, निकलने के बाद और बेचे वहाँ की चिल्लाहट याद आती थी, अरे कैसे तड़पते हैं, कैसे तड़, सुना था दुख है, और ये जीव वो है जो रात्रि में खाता है कंदमूल खाता है व्यसन सेवन करता है, वो चला जाता, बहुत आरंभ परिग्रह वाला चला जाता है, ये पुण्य के उदय में ये ठाट मिला था, सब काय के लिए था,
परमार्थ साधने के लिए। श्रीमद राजचंद जी ने लिखा लक्ष्मी बढ़ी अधिकार बढ़े, काय के लिए थे पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं मानिए। यदि तेरे पास सूखी रोटी और मठा हो तो इतने में संतोष करके भव के अभाव की तैयारी करना भाई साहब, और कोई संकल्प नहीं करना। नरक में थे तड़प रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। नरक में जिसने भावे ना भाई, मानुष तन को पाने की वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। हमें टाइम नहीं बचा, हम नहीं आ सकते, दुकान में बहुत काम, पागल हो गया क्या? अभी नरक में डंडे पड़ लेंगे जब समझ में आ जाएगा कि दुकान क्या कह रहा है। बहुत समझा रहे, करुणा करके कह रहे भाई साहब, ये अपने ऊपर कोई कौन करुणा करे अपने संतों के अलावा। ये भीतरागियों के वचन है, मुनिराजों के वचन नाम है वचना में, भगवंतों की वाणी है भाई साहब। कैसे सहे होंगे हमने पैर में कांटा लगने जितना दुख तो सहन नहीं होता। रात में यदि दांत में दर्द हो जाए तो ऐसा लगता सवेरे कब हो, कब डॉक्टर को दिखाए, कब दवाई खाए। कैसे बिताए होंगे 33 सागर, कौन दाता बैठा है, दाता धर्मात्मा। ये आज बैराग लाने के लिए कह रहे, शुष्क बैराग नहीं चाहिए, शुष्क ज्ञान नहीं चाहिए भैया, रुंधी हुई कसाय वाला बैराग नहीं चाहिए, प्रासंगे को डनलप के गद्दी पर बैठकर दबने वाला नहीं चाहिए। हर्ट से भीतर नाभि से उत्पन्न हुआ, संसार में कुछ दम नहीं है, आत्मा को देखने वाले को सचमुच में बैराग आता। ज्ञान के साथ बैराग की संधि, जितना दुख सहन नहीं होता तो फिर कितने किसने कितने दुख। अरे गर्भ में कभी कभी ये जीव 12 वर्ष तक रहता है, ऐसे अपने जनागम में लिखा कि यदि कभी पहुंच जाए तो 12 वर्ष रहे, 9 माह बाद जन्म ले और फिर से 12 वर्ष के लिए फिर चला जाए। सोचो तो क्या दशा है, जरा सी ऑक्सीजन नहीं मिले तो सहन नहीं होता, वहाँ 24 वर्ष कैसे काल बिताए हो। ऐसे फल किस कारण से आए, मिथ्यात के कारण से, आत्मरुचि के कारण से, विषयों में सुख बुद्धि, 4 बुद्धियाँ कहते थे स्वामी जी, देह में अहम बुद्धि, पर द्रव्य में कर्तत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि और पुण्य में धर्म बुद्धि और गेय लुब्धता 5वीं बुद्धि। जो मोबाइल छाप लोगों के हाथ, कितने व्यक्ति हम बैठे रहते बाजू में, वो मोबाइल नहीं छोड़ते, उसमें बटन चटकाते रहते, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते, कितना गंदा रोग आया है, कैसे नरक ले जाने वाली चीज़ आई आपके हाथ। और जीव को करुणा नहीं आ रही कि हम अपना उपयोग बर्बाद कर रहे हैं, कितना आवरण पड़ रहा है, क्या मिलेगा उसमें, कोई सम्यक दर्शन है कि आत्मा है कि मुनिराज बैठे क्या है। जिनवाणी छोड़कर उसमें पढ़ते, जिनवाणी की भी बिना चली, सोचना भाई अपने बेहतर। मिथ्यात को छोड़ने का उद्यम कर, तू क्यों नहीं करता, गफलत में क्यों रहता है, ऐसा उत्तम योग फिर नहीं मिलेगा जो अभी मिल गया भाई। तू मिथ्यात छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न कर, सुनने सुनाने से नहीं जाता, अंदर में लगे कि मैं भगवान हूँ, गायक हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखता, मैं क्यों नहीं मानता, मेरा रस क्यों पड़ा है, वाह तो भी हो जाएगा। खटक लगना चाहिए, माता जी की भाषा में कह लगनी ही मार्ग खुद, कहीं रुचे तो संसार समझ लेना बहुत भयंकर, कुछ नहीं रुचना चाहिए, एकमात्र याद आए, बार बार याद आए, मैं कौन हूँ, मैं कौन, मैं जीव हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, ज्ञान मेरे से होता है, ज्ञान से मेरा परिचय हो रहा, ज्ञान के अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी धुन लगे कि सपने इसी के आए। हमसे बाबूजी कहते थे कि बताओ राजन, तुम्हें तुम्हारी नींद हराम हुई है आत्मा के विरह में कभी, तुम्हें लगा है कि इसके बिना मैं कैसे रह लेता हूँ, और आत्मा चाहते हो धर्म करना चाहते, ये बहुत गंभीर मार्ग है, बहुत अंदर का। गुरुदेव ने कैसी, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगता ये पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं मिलती है, ऐसे माता जी इसके 6वीं क्लास पढ़े अपने गुरु जी, जिनके ऊपर डॉक्टरेट हो रही, जिनके एक एक शब्द शास्त्र बन गए हैं,
जो सीमंदर भगवान का संदेशा बांटने के लिए आए थे, ऐसे गुरुदेव श्री अपन को कौन से पुण्य से मिल गए भाई? महाभाग समझो, जिसके सिर पर गुरु है उसके संसार का अंत आने वाला है, जिसे गुरु समझ में आ जाते हैं उसके ज़्यादा भाव नहीं रहते। ये क्या रहस्य बताते थे, कहाँ से बोलते थे, क्या वेदन करके बोलते। और जब दीक्षित हो गए तो अभी वहाँ उन्हें चैन नहीं पड़े। मुझसे नहीं कहना मैं किसी सेठानी और सेठ को भक्तांबर पढ़ाऊँ, मेरा काम भक्तांबर पढ़ाने का नहीं है, आत्मा की खोज करने लिया है। गुरु ने कहा ये पेंट करो ये बर्तनों के, ये मेरे मेरे बस का काम नहीं, मुझे तो आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, आत्मा। और उस समय भी कैसे उत्तर निकलती थी, दो व्यक्तियों के एक से बंधन हो एक से उदय हो तो उनके परिणाम कैसे होंगे, कि अलग अलग होंगे, क्यों होंगे, कि निरपेक्ष परिणमन होता, कर्म के उदय से भाव नहीं होते, वस्तु परिणमन स्वतंत्रता से करते। तू मिथ्या छोड़ने के लिए यानी भ्रम तोड़ने के लिए प्रयास कर भाई, साता साता से भिन्न, आकुलता में स्वभाव स्वभावों से भिन्न, ऐसा निराला निराकुल ज्ञायक भगवान अनुभवने का प्रबल पुरुषार्थ कर, कि जो चैतन्य परमात्मा यही में हो। अब दीक्षा कैसी ली जाती, अभी तो विरक्ति दिलाने की बात कही, अभी दीक्षा के सम्यक दर्शन होने के पश्चात, अब जो मतिश्रुत अवधि विराजित जिन जब जन्म, आत्मरुचि लेकर के तो अपने आदिनाथ बाल तीर्थंकर आए थे, बहुत सहज जीवन जिए, 83 लाख पूर, आज अपन को पता है था एक पूर कितना बड़ा हो, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक, और ऐसे 83 लाख पूर, और कोई कंप्लेंट नहीं है, न कोई बीमारी नहीं है, न कोई ऐसे भोजन है, न कुछ। तो ऐसा आत्मज्ञानी जीव आत्मस्थिरता बढ़ाने के लिए मुनि दीक्षा धारण कर। फिर से सुनना भाई, हमें लगता है कि कपड़ा उतार देते हैं, घर छोड़ देते हैं, पत्नी पुत्र परिवार छोड़ देते हैं, ऐसा निरूपण अपने जनागम में भरा पड़ा है, क्योंकि वस्त्रधारी तीर्थंकर का भी द्रव्यो तो निर्वाण नहीं प्राप्त कर, नग्गो ही मुख मग्गो, नग्नता ही मुनि मार्ग है, इससे गृहित मिथ्या से निकाल। और फिर कहा कि यदि आत्मज्ञान नहीं होगा तो नग्गो ही दुख मग्गो, नग्नता के लिए धारण की हो तत्व तो ज्ञान नहीं हुआ तो ये नग्नता तुम्हें दुख देगी। अब तो मुनि निर्वस्त्र ही होते हैं, पंच महाव्रतादिक धारण करके ही होते हैं, 28 मूल गुण रतिचार पालन करते हैं, उन्हें इस जाति के परिणाम ही नहीं आते शिथिलता के वस्त्र धारण की, उन्हें पाप के भाव सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग करके बैरागी होकर के सुदूप योग रूप मुनि दीक्षा धारण की, परम सामायिक चारित्र को प्रकट। अब ऐसे दिगंबर मुनिराज जिनके बारे में बताना चाहते हैं कि आत्मस्थिरता बढ़ते बढ़ते बारंबार स्वरूप लीनता होती रहे, मुनि को स्वरूप की ओर ढलती हुई शुद्धि इतनी बढ़ जाती है कि वे घड़ी घड़ी में आत्मा में अनुभव में प्रवेश करते, पूर्ण वितरागता के अभाव के कारण जब बाहर आते हैं तब विकल्प तो उठते हैं पर वे ग्रस्त दशा के योग विकल्प नहीं उठते। क्या कहा, ऐसे भाव नहीं उठते हैं कि हम पंच कल्याणक करा हैं, ऐसे भाव नहीं उठते हैं कि मंदिर बना है, ऐसे भाव उठते हैं कि स्वरूप में समझ जाएं, तो ऐसा अध्ययन हो, तत्व चिंतन हो, साधर्मी के प्रति दीक्षा शिक्षा की चर्चा हो सकती है, पर लोग ग्रस्तों जैसे काम मुनिराज नहीं करते, क्योंकि वो राग ही खत्म हो। पूर्ण वितरागता के अभाव के कारण अभी उपयोग जो उठता है, विकल्प तो आते हैं परंतु ग्रस्तों जैसे विकल्प नहीं आते, मात्र स्वाध्याय ध्यान व्रत संयम तप भक्ति इत्यादि संबंधी मुनि योग शुभ विकल्प ही मुनीश्वरों को होते, और वे भी सहज हट रहते होते, खींच के करना नहीं पड़ता कि 28 मूल गुणों को लाना पड़े, अपने आप जो भाव आते हैं सहज आते। मुनिराज को बाहर में कुछ नहीं चाहिए, क्यों, जिसको पाकर सब कुछ पाया उससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना। मुनिराज को कुछ नहीं चाहिए, अरे एक जो शरीर है वो भी उन्हें परिग्रह दिखाई देता,
देह मात्र परिग्रह लिखा पद्म परमलधारी देव, उनके प्रति भी परम उपेक्षा है, बड़ी निष्प्रह दशा का नाम मुनिराज है, आत्मा की ही गहरी लगन लगी है, चैतन्य नगर में निवास करती। हमें लगता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, चौथे काल में मोक्ष, ऐसा लगता है सबको कि चौथे काल में भी मोक्ष नहीं होता है, आत्म ध्यान से मोक्ष होता है, कालाल से मोक्ष नहीं होता है, इस काल में भी मोक्ष गए गौतम स्वामी, श्रीधर केवली, सुधर्माचार्य, गौतम गणधर, इस काल में मोक्ष, काल बाधक नहीं है भाई साहब, आराधना सही होना चाहिए। चैतन्य नगर में ही निवास करते हैं, मैं और मेरे आत्मा के अनंत गुण ही मेरे चैतन्य नगर की बस्ती। जब दीक्षा लेते हैं अपन ने पढ़ा, एव मयम पढ़मीय सिद्धि जिणबर बसे पढ़वत जदु सामरणम जदि इच्छति दुख परिमोक। हे भाई, यदि तुझे भव दुखों का अंत करना हो तो श्रावण पने को अंगीकार कर, और फिर भेजते हैं परिवार आप पुच्छम बंधुवर्गम, जाओ बंधुवर्ग को बोल के आओ कि मैं किसी का कुछ नहीं लगता, मैं अपनी आराधना के लिए स्वतंत्र। और विमोचतम गुरु कलत पुत्ते हिम, और पत्नी पुत्र और पिता माता से अपने को छुड़ा कर लाओ, ऐसा लिख बंधु वर्ग से विदा लेके आओ, कह कर के भराओ, उनके विवाह हो जाए तो दीक्षा ले। और पत्नी पुत्र परिवार से गहरे संबंध होते हैं, उनसे कहा इन्हें बताना भर नहीं है, इनसे छुड़ा के लाना अपने, और क्या बोल के आना, हे देह को रमाने वाली रमणी, तू मेरी रमणी नहीं है, मैं अनादि रमणी के पास जा रहा हूँ, मुझे सिद्ध दशा ही प्रकट कर। हे देह की जननी, तू मेरी जननी नहीं है, एक एक से संबंध छुड़ा क्या, कैसा गजब का चित्रण है। प्रवचन सार 201-202 गाता अमृत चंद्र देव कहते, मैं मोक्षाधिकारी खड़ा हूँ, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना, मुनि दशा धारण करने पर एक भी कष्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आत्मा तो विभाव प्रूप तत्व, कसाय प्रूप तत्व, दुख प्रूप तत्व, उसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं। अपन को बहुत गलत फहमी है कि मुनिराज कैसे होंगे, मच्छर काटते होंगे, सर्प कीड़े मकोड़े उनके ऊपर लूटते होंगे, चिंघाड़ते होंगे, धाड़ते होंगे, गरजते होंगे, शेर सहाती क्या करते होंगे, कि वे स्वरूप में समाये रहते, वे स्वरूप नगर में निवास करते, वे अपने घर में रहते, उन्हें वो बाधा नहीं डालते, यदि बाधा भी आएगी तो देह को आएगी, मुझे नहीं आएगी। ये भेद विज्ञान बहुत गहरा भेद विज्ञान, ऐसी आत्मा की लगन लगी है चैतन्य नगर में ही जिनका निवास है, मैं और मेरे आत्मा के अनंत गुण ही मेरे परिवार हैं, और मुझे किससे कहूँ। इस प्रकार एक आत्मा की ही जिन्हें धुन है, विश्व की कथा से जो उदास। सोचो इतना बड़ा परिणमन, अपन सोच रहे थे अमित जी 3 बजे आएंगे, 4 बजे तक रहेंगे, पर ना उनके हाथ में कर्ता कर्म है, ना अपने विकल्पों के हाथ में, होने योग्य वही होता है। एक भी परिणति को कोई भी विश्व में को सकत ही बारे दो बिंदु व जड़न दो, जम जस जम देशे जेण विहाड़ेण तम्मि कालम मई रादम जड़ेण नीदम जम्मम व अहम मरणम वा तम तस् तम देशे तेण विहाड़ेण तम्मि कालमी को सकत ही बारे दो बिंदु व जड़न दो। इंद्र और जिनेन्द्र की भी उसे बदलने की ताकत नहीं है, होने योग्य होता है, ऐसे गुरु मंत्र को जो धारण कर लेता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं। 5 लाख का घाटा हुआ तो सेठ कहता है कि मुने दान देना बढ़ा दो, अरे सेठ जी सुना नहीं कि घाटा हुआ, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दान बढ़ा दो, क्योंकि पाप के उदय में धर्म के कार्य में लगाओ धन। ये कहाँ से मती आती है, ये जैन शासन से कहते, कुछ भी अनहोना नहीं होता भाई साहब, एक भी घटना ऐसी नहीं है जो नहीं घटने होने घटने योग्य थी और हो गई हो,
तो ये जिनेन्द्र देव के तत्व को श्रवण करने वाला पहचाने वाला कैसे दुखी होगा? उसे भगवान कोई विश्व में दुखी करने की सामर्थ्य वाला पैदा नहीं, कोई भी किसी को आज तक सुखी दुखी कर ही नहीं पाए, कर सकने की व्यवस्था ही नहीं। सब जीव अपने स्वभाव को समझकर सिद्ध दशा प्रकट कर सकते, ऐसी बात है। बस एक आत्मा मैं ही जिनका जीवन है, मुनिराज कैसे होते हैं अष्टपाहो, जिन्हें देख करके जैन दर्शन समझा जा सकता, जिन्हें लिखा है कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना बा। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्नेश्वरो तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वै शिव के निष्कंटक पथ में भी से कंटक के बोता। जब कोई देखता है ना तो ऐसा लगता है ये क्या कर रहा है भाई, ये आत्मा देखने के लिए टाइम नहीं, इसी मोबाइल देखने के लिए टाइम है, आत्मा देखने कैसा पागल आदमी है, ये 12 बजे 2 बजे सोता है, ये कैसा राक्षस जैसा जीव, इसे दर्द नहीं होता, नरक का डर नहीं लगता। बजकरण शिकार खेलने गया पद्म पुराण में, और लौटा कोई शिकार नहीं मिला तो दिगंबर मुनिराज मिल गए। अरे बाबा क्या करते हो? कि वो अपूर कार करते जो अनंत काल में नहीं। क्या अपूर कार है? आत्माराधना, तीन्द्रिय आनंद का वेदन, प्रचोर स्व संवेदन, मस्ती का काम है, आत्मा भोगने का ही काम, इसके लिए जन्म। तुम क्या करते हो? मैं शिकार करता हूँ। नरक का नाम नहीं सुना है क्या? अरे नरक क्या होता है? अरे जिसकी शिकार करोगे तुम्हारा शिकार नहीं, जैसे चेहरा करोगे वैसी फोटो खींचेगी, तुम्हारे परिणामों का फल नहीं है। यदि परिणामों का फल ना है तो ब्रह्मांड सुन जाए, ये सब अपने हाथों में दे दे। आप हाथ किसी ज्योतिषी से हाथ दिखाने नहीं जाओ, आप अपने परिणामों से पूछो तुम कहाँ चले जाओ। यदि तुम्हें आत्मा की धुन लगी है जो माताजी बता गए, पिताजी स्वामी जी बता गए, यदि वो बार बार तुम्हें याद आता है मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं भूल क्यों गया हूँ, मुझे भगवान इसी के लिए मिले, मुझे भगवान कुछ देते लेते नहीं, कमी हो तो दें, द्रव्यगुण पर्याय में जगह कहाँ रखने की। श्रीमद राजचंद्र जी से पूछा कि यदि मुझे आपको मोक्ष देंगे तो आप प्रसन्न होगे कि नहीं, कि मैं इतना भरा पूरा मैं मोक्ष रखूँगा कहाँ, मुझे नहीं जरूरत। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी आराधक होते। हम अपन सोच रहे थे कि अपन पापी अज्ञानी, अभी सब ज्ञानानंद स्वभाव ही है अपन, अपने कोई कमी नहीं है, सिर्फ भूले हैं, उस भूल को मिटाने के लिए 45 साल। अपन को बहुत बड़ा उपकार लगना चाहिए कि एक व्यक्ति कैसा अपना जीवन दान देता है, कितनी गाली, कैसे काले झंडे, कैसे पत्थर। इंदौर गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ से बोलने नहीं दिया, काले झंडे दिखाए, पत्थर भी मारे, मनोहर लाल जी काला, फिर हम आड़े आ जाते थे, गुरुदेव बोले क्यों किसी को कुछ भी बोझ ना पड़े। ऐसी करुणा मूर्ति का नाम है कांजी स्वामी, ऐसा हृदय का विशाल के जिसने सारे जगत को जगाने के लिए मानो जन्म लिया हो, परंतु कौन मानेगा। अपन सबकी होनहार अच्छी भाई साहब, जो अपन गुरुदेव को पहचान गए, अपन सब सिद्ध बनने वाले इस रूप में देखा करो, अपने पीठ पर कभी धन्यवाद दिया करो कि अपनी होनहार अच्छी। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से स्वयंवर अपना हो जाए, चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में, आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही बस ज्ञान है, गुरुवर ही समझाए। हमें लगता है मैं क्रोधी हूँ, गुरुदेव क्या क्रोधी नहीं है, आत्मा और क्रोध तत्व ही अलग अलग हैं, एक जीव तत्व एक आश्रव, क्या भार उतारा भाई। हम तो माने थे पापी पापी आश्रव परिणाम होता है भाई साहब, आत्मा पापी नहीं होता, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी होता।
मेरे ज्ञान में परगेय की दुर्गंध नहीं है, उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि नहीं है। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, किसका कौन करे? कोई अपना अभिनंदन नहीं कर सकता, आपकी परिणति ही आपका अभिनंदन करे, वो आपके काम में आती। और जो पुण्य के उदय से अभिवादन होता है उसमें तो पुण्य जलता है भाई साहब, उसमें जीव को लाभ नहीं होता कोई। ये अभिनंदन है जो मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ। अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना, अपने ही हाथों से स्वयंवर अपना हो जाए। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कोई कैसे समझाए। और जगत कैसा है? विषयों के भरोसे में जीवन मत खो ना बावरे, तृष्णानित तड़पाए तुझे भव भव रुलवाए। यदि तुमने इस तरफ नहीं आराधना की ध्यान नहीं लगाया तो कहाँ भीर जाएगा, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। कैसा है स्वरूप मुनिपद? बस 5 मिनट और लीजिए। मुनि छठवें सातवें गुणस्थान में रहें। अरे गुणस्थान में नहीं रहते भाई साहब, वे अपने में रहते हैं। अस्थिरता का नाम करणान युग में गुणस्थान। आत्मा में गुणस्थान नहीं होते, आत्मा में तो आत्मा होता है। आत्मा को आत्मा देखने वाले का नाम चौथा गुणस्थान, और आत्मा में आत्मा देखती रहे इसका नाम है छठवां सातवां, और कभी ना छूटे उसका नाम है 13वां 14वां गुणस्थान आती। आत्मा में गुणस्थान नहीं, किसी पढ़ाई पढ़ाने आए एक व्यक्ति आत्मशुद्धि की दशा में वहीं के वहीं खड़े नहीं रहते, आगे बढ़ते जाते। केवल ज्ञान न हो तब तक शुद्धि बढ़ाते ही जाते। ये मुनि की अंतर साधना है, जगत के जीव मुनि की अंतरंग साधना क्या जाने। बेचारे ये कहते रे महाराज जी को ठंड लग रही होगी। अरे ठंडी लगे तो फिर महाराज जी कहाँ? महाराज जी हैं तभी तो ठंड नहीं लगती, क्योंकि आत्मा जी को पहचान लिया। आत्मा में ठंड नहीं होती भाई साहब, आत्मा में आनंद ही आनंद होता। आत्मा कहाँ से ठंडा लगे? ठंडी को जानने वाला तत्व। जगत के जीव मुनि की अंतरंग साधना नहीं देखते, साधना कहीं बाहर से देखने की वस्तु नहीं। ये बल्ब जलते हैं ये बाहर के प्रयास से नहीं जलते, भीतर से करंट आता। ऐसे इस जीव को भीतर से ज्ञान होता है। लगता है ऐसा है प्रवचन अच्छा लग रहा है कि प्रवचन अच्छा नहीं लगता, ज्ञान अच्छा है उसमें प्रवचन पे आरोप आता। ये गुरुदेव ने निमित्तोपादान की भी स्वतंत्रता सिखाई। अपन तो समझ रहे थे कि यदि कुमार नहीं होगा तो घड़ा कैसे बने, बाई नहीं होगी तो रोटी कैसे बनेगी, गुरु नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा, दवा नहीं होगी तो रोग कैसे जाएगा। गुरुदेव ने सिखाया जब रोग जाता है तब दवाई पे आरोप आता है, जब रोटी बनती है तब बाई पे आरोप आता है। कार्य उपादान में हो तब निमित्त खड़ा होता है। निमित्तन को कछूना पतियारो, कारज भय निमित्त कहावत, बाकी सब व्यर्थ पमा। कथन बहुत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के हैं। जैसे सिद्ध भगवान आनंद भोगते हैं, ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज अनंत आनंद भोग रहे हैं, अपार आनंद भोग रहे हैं। मुनिराज को शुद्धात्म तत्व का उग्र अवलंबन द्वारा आत्मा में ऐसे संयम प्रकट हुआ है, सारा ब्रह्मांड पलट जाए तथापि मुनिराज की यह दृढ़ संयम परिणति नहीं पलट सकती। बाहर से देखने पर तो मुनिराज आत्म साधना हेतु वन में अकेले बसते, देख लेना 388 नंबर का बोल, अकेले खड़े। बाहर से देखने पर मुनिराज आत्म आराधना हेतु वन में अकेले बसते, परंतु अंतर में देखे तो अनंत गुण से भरपूर स्वरूप नगर में उनका वास।
बाहर से देखने पर लगते क्षुधाबंत हैं, तृषाबंत हैं, उपवासे हैं, परंतु अंतर से देखने जाओगे तो आत्मा के मधुर रस का आस्वादन करते। बाहर से देखने पर भले ही उनके चारों ओर घनघोर अंधेरा व्याप्त हो, अंतर परंतु अंतर में देखोगे तो मुनिराज के आत्मा में आत्मज्ञान का उजाला फैल रहा है। बाहर से देखने पर भले ही मुनिराज सूर्य के प्रखर प्रताप में ध्यान करते दिखें, परंतु अंतर में संयम रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाया में विराजमान। उपसर्ग का प्रसंग आए तो मुनिराज को तो खेल सा लगता है उपसर्ग। जैसे बालक उपसर्ग आने पर यानी कुत्ते बंदर दिखने पर अपने पापा से मम्मी से और निपटता, ऐसे ही प्रसंगों पर मुनिराज की परिणति और गाढ़ी होती। अपनी स्वरूप स्थिरता के प्रयोग का मुझे अवसर मिला है ऐसा जानकर के और प्रसन्न होते हैं। उपसर्ग मेरा मित्र है, अंतरंग मुनि दशा अद्भुत है, वहाँ देह में भी उपसम रस के ढाले ढल गए हैं। इस तरह से मुनिराज की चर्चा हुई। एक सोनगढ़ की कथा और सुनाई देती, 5 मिनट लगे। सोनगढ़ की साधना भूमि में आए हैं, सोनगढ़ की सा भूमि में आए हैं, अपने आत्मदेव को जगाने आए हैं, अपने आत्मदेव को जगाने। सीमंदर भगवान की मुद्रा ही प्यारी है, सीमंदर भगवान। इतने नाम लेंगे हम, बहुत पवित्र चीज़ों के लेंगे। सब लोग मुख पवित्र करना भाई साहब, बहुत दुर्लभ है अपन सब के। कैसे प्रकृति ने आप भेजा है, कोई विकल्पों से नहीं आया, अपना उदय नहीं लाया, आपकी होनार अच्छी सी है, हमारी योग्यता पक्की है, इसलिए ऐसा आना हुआ। नाम लेना सभी लोग। सीमंदर भगवान की मुद्रा अति प्यारी है, सीमंदर भगवान। वैदेही भगवान की आभा ही न्यारी है, वैदेही भगवान की। मान स्तंभ देखते ही मान गलता है, मान स्तंभ मान गलता है। परमागम मंदिर से प्रभु वर ज्ञान मिलता है, परमागम मंदिर से प्रभु वर ज्ञान मिलता है। पंचो मेरु दर्शन से निज दर्शन होते हैं, पंचे मेरु दर्शन से दर्शन होते हैं। नंदीश्वर के अर्चन से आनंद झरते हैं, नंदीश्वर के अर्चन से। समवसरण मंदिर में मन शांत होता है, समवसरण मंदिर में मन शांत होता है। वहाँ देखे कुंद कुंद देव कब के खड़े, गणधर देव 2.25 घंटे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके भगवान की वाणी सुन। कहाँ प्रभु मेरा बूंद बराबर ज्ञान, कहाँ आपका समुद्रों जैसा उछलता ज्ञान। किसी विनय से कुंद कुंद के दर्शन कर मन नाच उठता है, कुंद कुंद के दर्शन कर मन नाच उठता है। गूंजती गुरुदेव की जा बाणी प्यारी है, गूंजती गुरुदेव की जा। आत्म के आराधकों की भूमि न्यारी है, आत्म के आराधकों की भूमि। बाहुबली भगवान सोनगढ़ में आए हैं, बाहुबली भगवान सोनगढ़ में आए हैं। साधकों के भाग्य दर्शन देने आए हैं, साधकों के भाग्य दर्शन। निर्ग्रंथों मुनियों की मुद्रा कैसी होती है, निर्ग्रंथों मुनियों की मुद्रा। देख लो बाहुबली मुद्रा ऐसी होती है, देख लो बाहुबली मुद्रा।
ऐसी पावन धूल सिर लगाने आया हूँ, ऐसी पावन धूल सिर लगाने आया हूँ, अपने आत्मदेव को जगाने आया हूँ, अपने श्रवण बेल गोला हो या सोन गणती र, श्रवण बेल गोला हो या सोन गणती र, बाहुबली तो एक ही है शांत श्री मूर, बाहुबली तो एक ही है शांत श्री मूर, मानो गोमट गिरी के बाहुबली ही आए हैं, मानो गोमट गिरी के बाहुबली ही आए हैं, हम तो महाभाग्यशाली दर्शन पाए हैं, हम तो महाभाग्यशाली। सोनगढ़ की साधना भूमि में आए हैं, किस लिए आए हैं, अपने आत्मदेव को जगाने आए हैं, अपने आत्मदेव को जगाने आए हैं, अपने आत्मदेव को जगाने आए हैं। बहुत अच्छा लगा, सभी लोग इतनी पवित्र भूमि पर आए, जहाँ आते स्टेशन से उतरते ही एकदम गुरुदेव गुरुदेव नहीं, साधना साधना नहीं, शुद्धात्मा ही याद आती है, और कुछ भी याद नहीं आता, उस भूमि का नाम सोनगढ़ भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि को, गुरुदेव श्री को, माता जी को, सब ज्ञानियों को बार बार वंदन है। गुरुदेव श्री ने सबको बहुत वात्सल्य दिया, सब पंडितों को अपनाया, फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री, डॉक्टर भारल, युगल जी नहीं आए क्या, ज्ञानचंद जी कहाँ है, कैसा महान पवित्र हृदय था। ऐसे गुरुदेव श्री सबके हृदय में बैठे, सभी लोग शुद्धात्मा की आराधना करते करते सिद्ध दशा को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से।